हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आशा करता हूँ बहुत मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अल्फा न्यूमेरिक पजल्स, अल्फामेटिक पजल्स, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था डिविजिबिलिटी के दौरान। जब हम डिविजिबिलिटी पढ़ रहे थे उस समय मैंने आपको बताया था कि हम अल्फा न्यूमेरिक पजल्स पढ़ेंगे, जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे वो पजल्स जो कि हमारे क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, यानी कि पजल। आप समझ गए होंगे अल्फा न्यूमेरिक पजल्स, इसके नेम से ही पता लग रहा है अल्फाबेटिकली, जो न्यूमेरिकल की न्यूमेरिकल में अल्फाबेटिकली यूज होते हैं, इस तरह के बनाए जाने वाले पजल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक पजल्स। क्लियर? तो हम पढ़ रहे हैं मैथ्स ओलंपियाड प्रोग्राम, आप सभी को पता है, प्रेजेंटेड बाय मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। बच्चों, आप सभी को पता है कि पैकेज जल्दी से जो है इसका पैकेज ले लो आप जल्दी से, क्योंकि जिन्होंने नहीं लिया है वो कंप्लीट इसको परचेज कर लीजिए। चलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए, अच्छा हमारा एम आप सभी को पता है, एम बहुत क्लियर है बच्चों को, अपने टारगेट गोल अचीव कराना, मैथ्स में करियर बनाना। क्लियर? ओलंपियाड्स में अपनी उनकी रैंक लाना। स्कॉलरशिप क्राइटेरिया आप सभी को पता है, ठीक है, स्कॉलरशिप क्राइटेरिया 25%, ये 7th ऑफ फेब तक हो गया है, ठीक है, आगे तक बढ़ गया था ये, और यहाँ पर 1st जन टू 25 फेब तक के लिए 15% ऑफ था, 1st मार्च के बाद में 10% ऑफ था स्कॉलरशिप क्राइटेरिया। फीस स्ट्रक्चर आप सभी को पता है, जो है प्राइमरी का फीस है 6000 है, NMTC का जो फीस है वो 6000-9000 है, ठीक है, और IMO जिसको PRMO और IOQM का जो फीस है वो है 12000-15000। क्लियर? दोनों स्ट्रक्चर आप सभी को पता है, ऑनलाइन आपको पता है, क्लासेस ऑनलाइन होंगी। क्लियर? क्लासेस आपको पता है 5th to 10th होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें ज़्यादा टाइम लेते हुए। सारे की फीचर्स आप सभी को पता है, हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स होंगे, बाकी सारी है आपकी प्रॉब्लम्स वगैरह डाउट वगैरह सभी सॉल्व करेंगे, आपका जो है एनालिसिस भी होगा टाइम टू टाइम, सभी चीज़ें आपके ऊपर, यानी आपकी जो प्रोग्रेस लेवल है उस पर पूरा फोकस किया जाएगा और आपके चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा जो आपसे आपके इस कंटेंट से रिलेटेड हैं। क्लियर? चलिए बात करते हैं आगे। आज का जो टॉपिक हमारा अल्फा न्यूमेरिक पजल। क्लियर? इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फा न्यूमेरिक पजल्स। क्लियर बच्चों? सबसे बड़ा पॉइंट ये है, आज के जो टॉपिक में कोई स्पेसिफिक थ्योरी नहीं है, बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन है, आपको समझना है, पजल को पहचानना है। जैसे होता है ना, आप एक बात बताओ मुझे, कोई भी आप जैसे आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, पजल है आपके पास, पार्ट्स दिए हुए हैं, पार्ट्स को आपको कनेक्ट करके पजल तैयार, पजल दिया हुआ है उसको आपको कनेक्ट करके एक पूरा फिगर बनाना है। क्लियर? पर देखा होगा ना आपने, तो वो सभी चीज़ें हैं इसमें, इसमें आपको फिगर यानी कि आपको पहचानना, आइडेंटिफाई करना है पैटर्न को, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पता लगाना है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर या फिर यहाँ पर क्या ऐसा होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो अल्फा न्यूमेरिक पजल्स, अब इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको एग्जाम्पल से दे रहा हूँ, इसमें कोई थ्योरी पार्ट नहीं है, सिर्फ इस एग्जाम्पल के जरिए आप समझ जाएंगे कि अल्फा न्यूमेरिक पजल होते क्या है। बच्चों पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, इसका बिल्कुल बेसिक सा जो इंट्रोडक्शन है वो यही है कि अल्फा न्यूमेरिक पजल्स में यहाँ पर जो है अल्फा न्यूमेरिक पजल्स में सीधे सीधे अल्फा यानी कि अल्फाबेट्स ABC XYZ यहाँ तक, ठीक है, और हमारे डिजिट्स जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से कहाँ तक, 9 तक, यानी कि ये जो अल्फाबेट्स हैं ये एक प्लेस ले लेते हैं किन की जगह पे, इन सिंगल डिजिट्स की, इन सिंगल डिफरेंट डिजिट्स की जगह पे, और हमें आइडेंटिफाई करना होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि उस अल्फाबेट की जगह पर कौन सी न्यूमेरिकल या फिर वैल्यू या फिर कौन सा डिजिट वहां पर होना चाहिए और कंप्लीट नंबर क्या बनना चाहिए। इस तरह की सिचुएशंस जो है हम, इस तरह के जो पजल्स हैं हम अल्फा न्यूमेरिक पजल्स में पढ़ रहे होंगे, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं, अब इस एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, इफ A-B = 2, देखो ये याद रखना, ए और बी क्या है, ए और बी हमेशा किसकी जगह पर होते हैं, इसकी जगह पर होते हैं, ये समझ लो आप बिल्कुल अच्छे से। जैसे यहाँ पर ए बी है तो ए बी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, अब मैं आपके सामने लिखता हूँ आप समझ जाओगे। ए बी सी है, ये 3 डिजिट का एक नंबर है, क्या है, 3 डिजिट का एक नंबर है, जैसे कि 231 यहाँ पर देख रहा है आपको 231, क्लियर, अब 231 यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, 231 में आपको 3 डिजिट दिख रहे हैं, 2, 3 और 1, तो इसका मतलब अगर हम कंपेयर करें तो A = कितना है, 2, B = कितना है, 3, और C = कितना है, 1, क्लियर। अब इसका एक्सपेंड फॉर्म क्या होगा, ए बी सी अगर हम इसे लिखे तो एक्सपेंड फॉर्म बताया था ना न्यूमरेशन में, यहाँ पर एक्सपेंड फॉर्म बनेगा, अच्छा वंस प्लेस पे कौन है, सी, वंस प्लेस पर कौन है, सी, टेंथ प्लेस पर कौन है, बी, 100th प्लेस पे कौन है, ए, इसका मतलब जो बनेगा एक्सपेंड फॉर्म क्या बनेगा, 100A + 10B + C, करेक्ट और नॉट, क्या यही बनेगा, यहाँ पर बात समझ में आ गई, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं,
इफ ए माइनस बी इज इक्वल टू टू एंड ए ए प्लस बी बी इज इक्वल टू सी सी जीरो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। यहां पर समझो आप, यहां पर जैसे मान लो आपको दे दिया गया 22 और 33 इज इक्वल टू बच्चों कितना होता है 55। तो यहां पर एक बात बताओ, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए है, 22 33 55 2 2 3 3 5 5, क्या ये दोनों सेम है? तो इसका मतलब मैं एक अल्फाबेटिक नाम दे सकता हूँ, इसे अल्फाबेटिक वोवल इनकी जगह पे पुट कर सकता हूँ, यानी कि ए। तो 2a है तो ये वाला 2b क्या होगा, a ही होगा। अगर 3 को मैं b दे दूं तो ये क्या बन जाएगा, bb, और 5 को c दे दूं क्या बनेगा, cc, यानी कि aa plus bb plus cc is equal to bb is equal to cc। समझ रहे हो बात को, क्या बनी इक्वेशन, a a a क्या है, a क्या है, ये 2 डिजिट का नंबर है, दिस इज ऑल्सो 2 डिजिट नंबर, और यहां पर इन ऐड करने पे क्या बनेगा, 2 डिजिट का नंबर, जो कि क्या है, cc, एंड a b c आर डिफरेंट डिजिट्स। क्लियर, देखो दोनों तीनों ही क्या है, a इज इक्वल टू कितना है 2, b इज इक्वल टू कितना है 3, c इज इक्वल टू 5। समझ गए बात को, इसके बाद में बात करते हैं a माइनस b, b इज इक्वल टू 2, a और b का जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है 2। अब यहां पर देखो इस वाले से कंपेयर करते हैं, जैसे अगर मान लो यहां पर b माइनस a करके देखें तो कितना आ रहा है, ये b और a है, तो b माइनस a करके देखें तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना बनेगा 1। तो इसका मतलब ये है कि a और b में सम और डिफरेंस भी आपको गिवन हो सकते हैं, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन में। सो a माइनस b इज इक्वल टू 2 एंड ए ए प्लस बी बी इज इक्वल टू सी सी जीरो, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। अब यहां पर देखो समझो बात को, ए ए बी बी और ये सी सी जीरो, यहां पर इसमें बेसिक नंबर आपको नजर आ रहा होगा कि यहां पर ए ए 2 टाइम्स है, बी 2 टाइम्स है, और रिजल्ट क्या आ रहा है, सी सी जीरो, यानी कि 2 डिजिट का एक नंबर है जिसमें दोनों डिजिट सेम है, 2 डिजिट का दूसरा नंबर है उसमें भी दोनों डिजिट सेम है, और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, सी सी जीरो। इसका मतलब ये है कि यहां पर इन दोनों को ऐड करने पर, समझना, इन दोनों को ऐड करने पर जो नंबर बनेगा, जो नंबर बनेगा वो कैसा बनेगा, 11 इंटू ए प्लस बी। सर 11 इंटू ए प्लस बी क्यों बनेगा, क्योंकि 11 की टेबल में आने वाले सभी नंबर उनके दोनों डिजिट क्या होते हैं, सेम होते हैं, ये बात आपको पता है ना, यही होता है इस तरह से। तो इसका मतलब यहां पर आप समझ पा रहे होंगे, ए ए बी 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 इज इक्वल टू सी सी जीरो, यहां पर क्या आ रहा है, जीरो। बच्चों जीरो होने की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तो 1+9 हो सकता है, यानी ए और बी क्या हो सकते हैं, दोनों दोनों का सम करने पे यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, जीरो। इसका मतलब 1-9 भी हो सकता है, 8-2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें पहचानना है कि यहां पर सी सी जीरो। तो आपको भी पता है, यहां पर देखो समझो, ए ए बी बी ये क्या है, 2 डिजिट नंबर्स हैं, क्लियर। ए ए बी बी को ऐड करेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, ये 11 के मल्टीपल होंगे, 11 का ये जो नंबर बनेगा टोटल क्या होगा, 11 का मल्टीपल होगा, हेंस सी सी जीरो इज इक्वल टू 1/2। क्यों, अब यहां पर देखो, द सम कैन नॉट एक्सीड 198। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर दो डिजिट के जो नंबर है, दो डिजिट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, 99। मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, 99 प्लस 99 इज इक्वल टू क्या होगा, ये भी होगा 198। तो दो डिजिट के दोनों डिजिट सेम हो उनका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 198। इससे बड़ा तो आंसर नहीं आ सकता ना, 3 डिजिट का, 2 डिजिट के नंबर्स का, दोनों का, दोनों में डिजिट सेम है, दोनों का सम करने पे क्या आता है, मैक्सिमम नंबर 198 आ सकता है, इससे ऊपर तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है, क्योंकि इससे ऊपर हो जाएगा तो क्या बनेगा, 200। तो दो का सम होता है किस किस का, 100+100, या तो 100 तो क्या हो गया, 3 डिजिट का नंबर हो गया, इसका मतलब 200 नहीं हो सकता, 200 से नीचे कौन आ रहा है, 198 यही हो सकता है मैक्सिमम नंबर। ए ए बी यानी सी सी जीरो जो है मैक्सिमम कितना होता है, 198। अब यहां पर सी मस्ट बी इज इक्वल टू कितना होगा, 1। सी कितना होगा बच्चों, 1 होगा। क्यों, अब यहां पर देखो आपको मैं लॉजिक बताता हूँ, लॉजिक आप समझ जाओगे, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हो, अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे, यहां पर ए ए प्लस बी बी इज इक्वल टू 11 ए प्लस बी है, क्लियर। यहां देखो, सम कैन नॉट एक्सीड 198, क्लियर। तो यहां पर ए ए बी बी 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, यही हो सकते हैं, पॉसिबल वैल्यूज यही हो सकती हैं, ठीक है। यानी हमारे पास पॉसिबिलिटीज मिल गई हैं कि ये नंबर हो सकते हैं, और डिजिट की जगह पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही हो सकते हैं डिजिट की जगह पर, क्लियर। यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों, जीरो आ रहा है। तो एक बात बताओ, किन दो का सम करने पे जीरो आता है, किन दो का सम करने पे, 8+2 इज इक्वल टू 10 होता है, जीरो आता है, 9+1। लेकिन हमें लाना है ऐसा नंबर, यहां पर सभी केसेस में देखो, यहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि यहां पर जो वैल्यू है सभी को ऐड करने पे 11 प्लस 99 कितना आ रहा है,
11 प्लस 99 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 110, आ रहा है नहीं आ रहा देख लो, 11 प्लस 99 इज इक्वल टू 110, क्लियर। 22 प्लस 88 ये भी कितना आ रहा है 110, और यहां पर हर केस में जो है जीरो जीरो आना है ना, यहां पर कितना आना है जीरो, तो दो नंबर्स का ऐड करने पे जीरो कब आता है, जब दो नंबर में ऐड करने पे यूनिट डिजिट कितना आ जाए जीरो, यानी सम कितना हो 10, तो सम किस किस का 10 आ रहा है, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 यानी कि 110, यहां पर 22 प्लस 88 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10 यहां पर भी कितना बना 110, तो यहां पर इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि 33 प्लस 77 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 110, 44 प्लस 66 इज ऑल्सो 110, 55 प्लस 55 इज इक्वल टू 110। देखो सभी में यही आंसर बन रहा है, दोनों अगर डिजिट सेम है तो, समझ रहे हो ना बात को, इसका मतलब यहां पर यह है कि सी की पॉसिबल वैल्यू सी मस्ट बी कितना होगा इक्वल टू 1, यहां पर देखो सी कितना होगा 1। अब सी अगर 1 होगा इसका मतलब ए प्लस बी कितना होना चाहिए, ए प्लस बी इज इक्वल टू होगा 10, क्यों हुआ 10, बिकॉज यहां पर ए और बी का सम ए प्लस बी इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो यहां पर दो वैल्यू आ रही है, अब क्या क्या आ रही है 6 और 4, ए प्लस क्योंकि यहां पर क्या है 110 बनाना है, क्लियर। अच्छा 11 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 110 बन जाए, ठीक है, क्योंकि यहां पर ए ए प्लस बी बी, अब आंसर तो बहुत सारे हैं इनमें भी सेम आ रहा है, सब में सेम आ रहा है, लेकिन यहां पर ये कह रहा है वो ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 है, ए माइनस बी उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना है 2, यानी कि ए की जगह पे कौन कौन हो सकता है और बी की जगह पे कौन कौन हो सकता है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, यहां तो आपको ये दिया हुआ है 11 ए प्लस बी, तो बच्चों अब यहां पर फोकस करते हैं दोनों का डिफरेंस कितना है 2, ए और बी का डिफरेंस कितना है 2, तो यहां पर हमने ए और बी की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या लिए, या तो 11 22 23 44 55 66 77 88 99, अब इनमें देखो दो जो आपने ऐड करके देखे नंबर उनका डिफरेंस करके देखो, उनका डिफरेंस करने पर 2 आ रहा है क्या, यहां पर 9 और 1 का डिफरेंस कितना है 8, नहीं होगा आंसर, यहां पर 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, नहीं होगा आंसर, यहां पर 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, नहीं होगा आंसर, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2, यहां पर 6 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2, हियर 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, यानी कि ये ए हो सकता है और ये बी हो सकता है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 2, आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है, और इन दोनों का ऐड करने पे 66 प्लस 44 वो भी कितना आ रहा है इज इक्वल टू 110, इसका मतलब ये क्या इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, कौन सी कंडीशन, ये वाली कंडीशन तो इसने फुलफिल कर ही दी है, ए ए प्लस बी बी इज इक्वल टू सी सी 0 और यहां पर ए माइनस बी इज इक्वल टू 2, दोनों कंडीशन जो सेटिस्फाई करे वही प्रॉपर आंसर होगा, बिकॉज यहां पर ए बी बी इज इक्वल टू सी सी 0 लाने वाले बहुत सारे पेयर्स हैं, देख लो चाहे इन दोनों नंबर्स को, इन दोनों को ऐड करने पे, इन सबको ऐड करने पे 110 आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर दोनों डिजिट सेम हो तो सम कितना है 110, तो सी तो हमने पहले ही पता लगा ले सी इज इक्वल टू कितना होगा 1, क्लियर। इसके बाद में ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 है, तो अब आपने जो पेयर चुने हैं उनमें जो डिजिट्स आपने लिए हैं ए और बी की जगह पे आपने पुट करने के लिए उनका डिफरेंस करके देखो कितना आ रहा है, तो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 आ रहा था, किन का डिफरेंस 2 आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 6 और 4 का डिफरेंस 2 आ रहा है, इसका मतलब ये पॉसिबल पेयर यही होगा जो करेक्ट आंसर देगा हमें 44 प्लस 66। बच्चों इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं उस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका, इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही अल्फा न्यूमेरिक पजल्स होता है और इस तरह के पजल्स को सॉल्व करना ही हम आज सीखने वाले हैं, समझ गए बच्चों बात, क्लियर, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स इसके बाद में हम बात करते हैं क्रिप्टेरिज्म्स की, क्रिप्टेरिज्म्स क्या होते हैं बच्चों उसे समझते हैं जरा, क्रिप्टेरिज्म्स इज अ मैथमेटिकल पजल, एक ऐसा मैथमेटिकल पजल वेयर द डिजिट्स इन अ सम हैव बीन रिप्लेस्ड बाय लेटर्स, यानी कि आपको सम दिया होता है और आपको पहचानना होता है कि वो जो सम है उसे जो रिप्लेस किया गया है बाय लेटर्स उसमें वो लेटर की जगह पे कौन कौन सी डिजिट्स पॉसिबल हो सकती है वो आपको बताना होता है, क्लियर, उसे आइडेंटिफाई करके पैटर्न को पहचान के। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है ए प्लस ए इज इक्वल टू 2a, बेटा यहाँ पे b कर लेना, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा b, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा वो ये है a प्लस a प्लस a इज इक्वल टू 2b, क्लियर 2b, अब यहां पर आपको कहा जा रहा है पॉसिबल वैल्यू ऑफ a एंड b। अच्छा a एंड b की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, एक वैल्यू नहीं दो वैल्यूज भी निकल सकती है, तीन भी निकल सकती है, इसलिए मैंने वैल्यूज लिखा है। अब यहां पर समझो यानी कि a प्लस a इज इक्वल टू 2b है, 2b क्या है, टू डिजिट नंबर है, 2b क्या है बच्चों, रिजल्ट क्या आ रहा है, 2b इज अ टू डिजिट नंबर, तो टू डिजिट नंबर में टेंस डिजिट कौन सा है,
टू, टेंस डिजिट कौन सा है? टू। इसका मतलब ये है कि एक ही जगह पे एक सिंगल ऐसा डिजिट है जिसको उसी से तीन बार ऐड करने पे, थ्री टाइम्स ऐड करने पे कितना बनेगा, कितना बनेगा, टू डिजिट का नंबर बनेगा जिसका टेंस डिजिट कितना होगा, टू। तो यहाँ पर जो है अगर हम यहाँ देखें 5 + 5 + 5 कितना, अगर यहाँ 5 रखते हैं तो कितना होगा, 5 + 5 + 5 = 15, वो नहीं हो सकता। 6 रखते हैं तो 6 + 6 + 6 = 18 होता है, यहाँ पर 2 है, 1 नहीं हो सकता। देखो यहाँ पर 6 6 6 तो ये कितना हो गया, 18 हो गया ना। क्या यहाँ पे 1 हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में कितना है, 2 यहाँ पर 1 होगा, लेकिन यहाँ पर हमें 2 चाहिए। तो 2 लाने के लिए हमें क्या लिखना होगा, 7 7 7, जो कि हमें कितना दे रहा है, 21 दे रहा है, नहीं दे रहा। देखो यहाँ पर 2 आ गया। अब इसका मतलब ए की एक वैल्यू क्या हो सकती है, 7 हो सकता है, और बी की जगह 1 हो सकता है। दूसरी वैल्यू 8 + 8 + 8 बच्चों कितना होता है, इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पर 2 आ रहा है और यहाँ पर 4 बन रहा है, तो ये 8 इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू 4, हो सकता है, नहीं हो सकता। यहाँ पर देखो 9 + 9 + 9 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 27, सम करने पे, समझ रहे हो। तो कितना बना ये 27, यहाँ पर 7 आ रहा है, यहाँ पर 9 आ रहा है। तो इसका मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए इज इक्वल टू 7, 8, 9, और बी की पॉसिबल वैल्यूज केस में क्या होंगी, बी इज इक्वल टू मिलेगा 1, 4 और 7। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ गए बच्चों बात को? तो ये है क्रिप्टेरिदम्स, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़े। अब बच्चों मैंने आपको समझा दिया है अल्फा न्यूमेरिक पजल्स क्या होते हैं, पैटर्न आप समझ गए, पजल है, पजल आपको मिलेगा, आपको सॉल्व करके बताना है। इट्स लाइक अ गेम, ठीक है, इसमें कोई थ्योरी पार्ट नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट खूब आएगा, आपको मजा आएगा। इसका रिलेशन डिविजिबिलिटी से, सम और डिफरेंस, इसमें क्वेश्चन कंफर्म आते हैं, और इसमें क्वेश्चन एनएमटीसी में तो जरूर आता ही आता है। तो बच्चों इसको तो आपको ढंग से बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना है इस टॉपिक को, ठीक है। बस आंख यहीं पे होनी चाहिए, आपकी नजरें यहीं होनी चाहिए, और क्वेश्चन को जस्ट आइडेंटिफाई करना है क्या वहां पर हो सकता है, ठीक है। रूल्स आपको पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी के, बस। चलो क्वेश्चन आंसर राउंड में चलते हैं। अजय मल्टीप्लाई 484 बाय सर्टेन नंबर टू गेट अ रिजल्ट 3A23A, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब यहां पर देखो जो आपको नंबर दिया हुआ है 3A23A, ये एक नंबर है, यहां पर जो है अल्फाबेट दिया हुआ है, यहां पर आपके सामने जो है ए की जगह पर क्या होगा, नंबर आएगा, क्या आएगा, एक डिजिट आएगा, सिंगल डिजिट आएगा, ठीक है। और अब वो क्या कह रहा है, अजय मल्टीप्लाई 484 को जब मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, अच्छा रिजल्ट है ये, ओके, यहाँ पर ये रिजल्ट दिया हुआ है आपको, तो आपको रिजल्ट बताना है, ओके, यहाँ से अजय ने मल्टीप्लाई किया 484 को किसी एक नंबर से, ठीक है, और रिजल्ट कितना मिला उसको, 3823A। तो इसका मतलब ये है, कुल मिला के बात ये है, अब किसी से भी मल्टीप्लाई किया हो रिजल्ट, तो उसके पास क्या आया, 3823A। हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें क्वेश्चन से मतलब नहीं कि किससे मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट बना है, हमें सिर्फ इतना बताना है ए की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर समझो बात, आप 484 का अगर डिवाइड इसमें देंगे तो इसका डिवाइड इसमें पूरी पूरी बार जाएगा, नहीं जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, 3823A ये इससे डिविजिबल होगा, क्यों होगा, कारण समझो, इसका रीजन क्या है, क्योंकि किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करने पे ये रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब 484 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा कि नहीं होगा बच्चों, समझ गए बात को भाई। 4 × 5 कितना होता है, 20, 20 को 4 डिवाइड करता है, 20 को 5 भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब नंबर से इसको मल्टीप्लाई करने पे ये रिजल्ट आता है। इसका मतलब इस रिजल्ट को ये जो 484 है डिवाइड करेगा, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे कि 484 इज फैक्टर ऑफ 3823A, समझ गए बात को। अब 484 इस नंबर का फैक्टर है, तो इससे कोई कहानी कुछ चेंज नहीं होगी, या फिर इससे कोई डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, इससे हमें सिर्फ एक हिंट मिला है कि ये इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, यानी कि रिमाइंडर कितना देता है, 0। तो इसका मतलब कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, तो 484 अगर इसको डिवाइड करेगा, तो 484 को डिवाइड करने वाले नंबर भी इसको डिवाइड करेंगे, नहीं करेंगे, समझ में आई बात, नहीं समझ में आई। अच्छा बताओ 18 को 6 डिवाइड करता है, तो जो 6 को डिवाइड करते हैं वो 18 को भी डिवाइड करेंगे, नहीं करेंगे, यानी कि 6 को डिवाइड कौन कौन करते हैं, 2 और 3 जो है 6 को डिवाइड करते हैं, और 6 डिवाइड करता है 18 को, तो ये 2 और 3 18 को भी डिवाइड करेंगे, नहीं करेंगे, समझ में आ गई बात। इसका मतलब ये है कि इसके जो फैक्टर होंगे, फैक्टर ऑफ 484, कोई भी दो फैक्टर ले लो, दो तीन फैक्टर, समझ जाओगे आप, 484 एक इवन नंबर है, 484 क्या है, एक इवन नंबर है, इसका मतलब ये तो कंफर्म है, इवन नंबर का इसमें जो है इवन नंबर का इसमें डिवाइड कब होगा, जब यहां पर a इज इक्वल टू इवन होगा, तो a तो क्या है, a इज इवन, a क्या है, इवन, बिकॉज 484 भी क्या है, 484 इज इवन, तो ये तो कंफर्म है, तो a की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है,
4, 6, 8 बस ये पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सी होगी। तो 484 के फैक्टर्स कौन से होते हैं, फैक्टर्स ऑफ 484 आर खुद 1 होता है। अच्छा यहाँ पर 4 है तो 2 भी डिवाइड करेगा, ठीक है। यहाँ पर 84 है, लास्ट के 2 डिजिट जो डिविजिबल है किससे, 4 से, इसका मतलब 4 से भी डिविजिबल होगा। यहाँ पर 3 का भी लगा के देखते हैं एक बार, 3 का 8 और 16, 3 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर देखो, अच्छा इन दोनों का सम देखो, इन दोनों का सम, इवन प्लेस पे, ऑड प्लेस पे बैठे हुए नंबर्स कौन कौन से, 4 और 4, 4 प्लस 4 कितना हुआ 8, और यहाँ पर मिड में कितना है, इवन प्लेस पे 8, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना हो गया 0, इसका मतलब ये है 11, ये भी इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा, ठीक है 11 भी इसका फैक्टर होगा। हमें जो रिजल्ट चाहिए बस वही देख रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो 3823A इज डिविजिबल बाय, अब दो नंबर ले लो, डिविजिबल बाय, ओके यहाँ पर जो है 484 डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन हो सकता है, एक ही जगह पे अगर 0 रखते हैं, देखो 4 और 11 को पकड़ लो आप, इसी से आंसर आ जाएंगे आपके, ठीक है। 384 इज डिविजिबल बाय 4 एंड 11, 4 और 11 से डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है ना, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 4 वाली कंडीशन लगाने के लिए नंबर कैन बी, या फिर ए कैन बी, ए क्या क्या हो सकता है। अब यहाँ पर अगर 30 बनता है, देखना ध्यान से, अगर यहाँ पर हम 0 रख देते हैं तो 38230 यही बनेगा, ये लास्ट के 2 डिजिट क्या है 30, 30 में 4 का डिवाइड जाता है, नहीं जाता है, इसका मतलब 0 नहीं आएगा, कंफर्म है 0 नहीं आएगा। 2 रख के देख लेते हैं एक बार, 32, 4, 8, 38232, 32 में 4 का डिवाइड जाता है, जाता है। 11 का भी करवा के देख लेते हैं, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अल्टरनेट प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम कर दो, 3+2+2 कितना हुआ, 3+2 5, 5+2 7 और 8+3 11, 11 और 7 का डिफरेंस कितना आ रहा है 4, नहीं ये भी पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पर आप 6 रख के देखेंगे, 4 रख के देखेंगे, अब यहाँ पर देखो कुल मिला के ये है यहाँ पर 36, ठीक है 36 4 की टेबल में आता है, 8 नहीं हो सकता क्योंकि 38 अगर पुट कर देंगे तो 38 4 से डिविजिबल नहीं होगा, इसका मतलब 8 नहीं हो सकता, 0 वैसे ही चला गया, 2 भी नहीं हो सकता। अब बचे कौन कौन, 4 और 6, और 4 हम रखेंगे, 34 होगा, 34 भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है बच्चों, ए कैन बी 6, ए क्या होगा 6, ठीक है, ए कैन बी 0, 2, 4, 6, 8, बट अब यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ए मस्ट बी, ए इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, ए इज इक्वल टू हो जाएगा डायरेक्ट हमारे पास कितना हो जाएगा, ए 6, यानी ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, ठीक है, क्योंकि ए इज इक्वल टू 6 रखने पर अब देखो 38236 इस नंबर में जो है आप सम करो, 3+2, 3+2 5, 5+6 11 और 8+3 11, 11-11 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0, इसका मतलब डिविजिबल बाय 11, ये नंबर 11 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है 6 रखने पे, इसका मतलब ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पर क्या है लास्ट के 2 डिजिट क्या है 36, तो 4 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब इन दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और 484 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर यहाँ पर जो है, देखो अब याद रखना बच्चों 484 के जितने भी फैक्टर होंगे ना, जितने भी फैक्टर, वो सभी इस नंबर को जरूर डिवाइड करेंगे, समझ गए बात को, तो 2 तो वैसे ही करेगा, 4 और 11 भी करेंगे, याद रखना ये बात, तो 2 की कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, बस इसी से आपका काम हो गया, ठीक है। बाकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी चेक कर सकते हो, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 4 और 11 आएंगे तो आपको डिविजिबिलिटी रूल इन्हीं के लगाने होंगे, इसका मतलब आप समझ गए बात को, क्या समझ में आ गई बात, कि यहाँ पर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको डिविजिबल कराना हो या फिर मल्टीप्लाई कराना हो या फिर चेक करना हो, तो आपको ए बी की, ए बी एस सी अल्फा अल्फा जो है अल्फाबेट आपको दिए हुए, वहां पर आपको ये पुट करके देखना है कि यहाँ पर पुट करने पर, और ये पुट करने के लिए आपके पास कौन कौन से डिजिट्स हैं 0 to 9, क्लियर, और आपको वहां पर पुट करके सिर्फ ये पता लगाना है कि वो नंबर डिविजिबल होने के लिए वहां पर कौन सा डिजिट होना चाहिए, और वहां पर अगर वो सेटिस्फाई कर गया तो वही आपका आंसर होगा फाइनल, समझ गए बात को। देखो यहाँ पर मैंने जो पॉसिबिलिटीज निकाली उसे डायरेक्ट आंसर लेकर आ गए, बात समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच डिजिट शुड बी कम इन द प्लेस ऑफ स्टार एंड ये डॉलर, ओहो डॉलर आया है, ठीक है। इफ द नंबर 62684 स्टार डॉलर इज डिविजिबल बाय बोथ 8 and 5, यहाँ इज आएगा बच्चों, ठीक है, इज डिविजिबल बाय बोथ 8 and 5। अब यहाँ पर देखो नंबर क्या दिया हुआ है, 62684 स्टार डॉलर, क्लियर। यहाँ पर आपको इन दोनों की वैल्यू पता लगानी है, समझो बात को, और यहाँ पर ये जो नंबर है इज डिविजिबल बाय बोथ 8 and 5, 8 और 5 दोनों से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय
8 and 5, तो इसका मतलब 8 और 5 से डिविजिबल है, तो 8 और 5 के जो डिविजिबिलिटी रूल उसको सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, ये नंबर जो है इनके डिविजिबिलिटी रूल्स जो हैं उनको सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा। और वो सेटिस्फाई कैसे करेगा कि 8 का जो रूल है वो क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिट जो है वो डिविजिबल होने चाहिए किससे, 8 से। अब डॉलर की जगह पे कौन कौन होगा, यूनिट डिजिट, अच्छा 5 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, बाय डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए बच्चों, यूनिट डिजिट हो सकता है 0 और 5। अब दिमाग लगाओ कि 8 एक इवन नंबर है, समझना, देखो पजल देखो और दिमाग लगाओ, 8 एक इवन नंबर है, 8 इज इवन नंबर, इसका मतलब यहाँ पे डॉलर की जगह पे कैसा होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। और डॉलर की जगह पे इवन नंबर बनाने के लिए हमारे पास, डॉलर की जगह पे हमारे पास आने के लिए दो ही डिजिट है, कौन को, 0 और 5, बिकॉज 8 5 से भी डिविजिबल कराना है, तो 5 की टेबल में जो नंबर आता है वो यहाँ पर या तो 0 होगा या फिर 5 होगा, डॉलर की जगह पे 0 हो सकता है 5 हो सकता है। और 8 से डिविजिबल कराने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, इसका मतलब 5 तो ऑड है तो 5 तो नहीं हो सकता, बल्कि डॉलर की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों हमारे पास, डॉलर की वैल्यू इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 0। समझ गए बात को, यानी कि ये जो डॉलर है मस्ट बी इवन, ठीक है, मस्ट बी इवन डिविजिबल बाय इवन फॉर डिविजिबल बाय 8। और इवन में हमारी दो ही कंडीशन हो सकती है, कौन कौन सी, 0 और 5, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अब हमारे पास ये मिल गया, अब नया नंबर क्या बना है, 62684*0। तो 4 अब यहां पर जो है, विच डिजिट शुड कम इन प्लेस ऑफ स्टार एंड डॉलर, अब यहां पर मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं दिया हुआ, यहां पर कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है स्टार की जगह पे वो आपको बताना है, क्लियर। तो यहां पर जो है 5 से डिविजिबल हो जाएगा, 8 से डिविजिबल होने के लिए स्टार कैन बी 0, कुछ 0 भी हो सकता है, 400, अगर यहाँ पर 0 का तो 400 में लास्ट 3 डिजिट 400 को 8 डिवाइड करता है, ठीक है, 50 टाइम्स। और यहाँ पर 2 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि 420 को 8 डिवाइड करता है क्या, नहीं करता है, देख लो, 8 जो है 8 5 जब 40, और यहाँ पर 2 0 भाई 820 में डिवाइड जाता नहीं है, इसका मतलब 2 जो है नहीं हो सकता है, 4 4 0 4 हो सकता है, क्लियर। तो यहां पर अगर हम 4 4 0 रखते हैं तो 8 डिवाइड करेगा नहीं करेगा, कितने टाइम, 8 5 जब 40, और यहां पर 4 फिर 0 आया, 8 5 जब 40, देखो डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 4 भी हो सकता है, स्टार कैन बी ये स्टार, ठीक है, स्टार कैन बी 0 4, और 8 भी हो सकता है क्या, 8 6 जब 48 होता है, बिल्कुल 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, ठीक है, 6 नहीं हो सकता क्योंकि 46 में जो है डिवाइड नहीं जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पर 0 4 8 ही हो सकते हैं। तो इसका मतलब डॉलर की वैल्यू तो कितनी आ गई हमारे पास, डॉलर की वैल्यू है 0, और स्टार की जो वैल्यू है वो कितनी है, इज इक्वल टू 0, 4, 8, ये हो गया कंप्लीट इसका आंसर। समझ गए बच्चों बात, क्या इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात है, नहीं है ना, ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट अ 3 डिजिट नंबर 4A3, ठीक है, समझना, A 3 digit number 4A3 is added to another 3 digit number 984 to give the 4 digit number 1 3 B 7, ठीक है, not digital, 4 digit number 1 3 B 7 which is divisible by 11, then A plus B is equal to, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, A क्या है, 3 digit number, मतलब A नहीं, A 3 digit number, एक 3 digit का एक number है 4A3, ये रहा 4A3, 3 digit का number है 4A3, ठीक है, इज एडेड टू अनदर 3 डिजिट नंबर 984, इसको ऐड किया जाता है 984 में, और जो रिजल्ट आता है गिव द 4 डिजिट नंबर 1 3 B 7, ठीक है, ऐड करने पे क्या बनता है 1 3 B 7, क्लियर है पॉइंट। अब यहां पर देखो ये जो नंबर है विच इज डिविजिबल बाय 11, ये 1 3 B 7 जो है वो डिविजिबल है किससे, 1 3 B 7 जो है डिविजिबल है 11 से, डिविजिबल बाय 11, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पहले हमें B के लिए पॉसिबिलिटीज देखनी होगी कि B की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, क्लियर,
देखो यहाँ पर 3 + 4 = 7 बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखो a + 8 = b और यहाँ पर 9 + 4 कितना है 13। देखो दिमाग लगाओ, 9 और 4 कितना है 13, इसका मतलब इन दो नंबर्स को ऐड करने पर यहाँ पर कोई कैरी नहीं गया है। समझ रहे हो क्या कर रहे हो कि 9 और 4 जो है इनको ऐड करने पर डायरेक्ट 13 आ रहा है, यानी कि 8 के साथ a को ऐड करने पर जो भी नंबर बना है उसका कैरी यहाँ पर नहीं गया है। अदरवाइज अगर 8 मान लो यहाँ पर a क्या होता, a अगर 4 होता तो 8 + 4 कितना बनता 12, तो 12 में 2 तो यहाँ आता, a कैरी जाता, तो 9 + 4 = 13, 13 + 1 = 14 होता। इसका मतलब कैरी नहीं गया है, इसका मतलब a कैन बी, a क्या क्या हो सकता है। अब कैरी कब नहीं जाएगा, जब यहाँ पर, अच्छा एक बार बताओ 1 के साथ किसको ऐड करूँ कि कैरी नहीं आए, 9 या फिर 2 + 8 = 10। ये तो दो डिजिट का बन गया, कैरी जाएगा, इसका मतलब ये नहीं होगा, और 2 से ऊपर, 2 से बड़ा नंबर तो कोई हो ही नहीं सकता। तो a कैन बी, अब यहाँ पर हमें पता लग गया है a इज नॉट ग्रेटर देन, a कांट ग्रेटर देन वन, तो इसका मतलब या तो a की वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है, या तो a की वैल्यू 0 हो सकती है, a कांट ग्रेटर देन 1, इसका मतलब a इज इक्वल टू 0, 1, ये दो ही हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 + 8 = 8 होता है, a और b इक्वल भी हो सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो हम दोनों को पुट करके चेक कर लेंगे। अब यहाँ पर b जो है, तो यहाँ पर अगर हम इफ a इज इक्वल टू 0, ठीक है, a इज इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पर b इज इक्वल टू कितना मिलेगा, b इज इक्वल टू 8, क्लियर। और अगर दूसरा केस, इफ a इज इक्वल टू 1 तो b इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 9। अब ये b की दोनों वैल्यूज को हम पुट करके देख लेते हैं, जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी वही a का ओरिजिनल आंसर होगा और b का ओरिजिनल आंसर होगा, यानी कि a की वैल्यू 0 है तो b कितना मिलेगा, 8, क्योंकि आप देखो यहाँ पर अगर a इज इक्वल टू 0 है तो 0 + 8 = 8 मिलेगा, तो यहाँ पर b इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 8। इफ a इज इक्वल टू 1 देन b इज इक्वल टू 9, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 1 + 8 इज इक्वल टू कितना होता है, 9। अब यहाँ पर इफ b इज इक्वल टू 8, ठीक है, 1, 3, 8, 7 ये नंबर बनेगा, अगर b इज इक्वल टू 8 होता है देन 1, 3, 8, 7 नंबर बनता है। अब 1, 3, 8, 7 को चेक करो क्या 11 से डिविजिबल है क्या, तो यहाँ पर 1, 8, 1, 8, 3, 7, तो यहाँ कितना बन रहा है 9 और यहाँ बन रहा है 10, 10 - 9 = 1, नॉट डिविजिबल बाय 11, भाई यही तो कहा उसने, विच इज डिविजिबल बाय 11, तो ये नंबर तो डिविजिबल हुआ ही नहीं, क्यों, क्योंकि डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसका मतलब b इज इक्वल टू 8 नहीं हो सकता, समझ गए। तो फाइनल ऑप्शन कौन सा बचा, b इज इक्वल टू 9, तो वो भी रख के देख लेते हैं, 1, 3, 9, 7। अब यहाँ पर बच्चों सम करो, 1 + 9 = 10, 3 + 7 = 10, तो 10 - 10 = 0, ये क्या है, ये है डिविजिबल बाय 11, इसका मतलब यहाँ पर ये कंडीशन हो गई फेल, और यहाँ पर a इज इक्वल टू होगा 1 और b इज इक्वल टू होगा 9, समझ गए बात को। और यहाँ पर हमें पूछा क्या गया, a + b, तो a + b की जो बच्चों वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 + 9 = 10, सो दिस इज द 2-डिजिट फाइनल आंसर, समझ गए बात, क्लियर है पॉइंट, क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 4-डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म ए बी ए ए, ए बी आर डिजिट्स ऑफ अ 4-डिजिट नंबर, ये 4-डिजिट नंबर है, ए बी ए ए इसके डिजिट्स है, ए और बी की फॉर्म में दिया हुआ क्वेश्चन, इज डिविजिबल बाय 33, ये नंबर जो किससे डिविजिबल है, 33 से, द नंबर ऑफ सच 4-डिजिट नंबर इज, ठीक है, नंबर ऑफ सच 4-डिजिट नंबर, इस 4-डिजिट नंबर में जो है ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं जो कि 33 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ए बी ए ए इज डिविजिबल बाय 33। अब बच्चों 33 का डिविजिबिलिटी रूल मुझे नहीं पता है, हम इसको ब्रेक करने वाले, 33 के जो है फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 33 के फैक्टर होते हैं 3 × 11, 11 × 3 = 33 होता है, इसका मतलब ए बी ए ए इज डिविजिबल बाय 11 और 3, बिल्कुल होंगे कि नहीं होंगे, तो हम एक काम करते हैं, इसमें हम दोनों के डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करके चेक कर लेते हैं, दोनों में से जिसमें दोनों के जो रूल अप्लाई करने पे जो नंबर हमें मिलेगा वही हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है क्या क्या,
ए माइनस बी, अब देखो ए प्लस ए बी माइनस ए, ए प्लस ए, ठीक है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लें सबसे पहले हम, तो यहाँ पर हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाने पर ए प्लस ए माइनस, और यहाँ पर माइनस करो ए प्लस बी, यही बनेगा। तो ये रिजल्ट क्या बनेगा बच्चों, ए प्लस ए यानी 2a, और ये माइनस अंदर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a माइनस ए, और ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा माइनस, और ये बन जाएगा b, ठीक है। तो 2a में से एक ही गया, यानी कि 2a में से 1 ही चला गया, कितना बचा a माइनस बी, तो a माइनस बी बनना चाहिए, समझ गए बात को, यानी उन दोनों नंबर का डिफरेंस आ जाना चाहिए जो नंबर यहाँ पर बनेगा, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है बच्चों, a माइनस बी, तो a माइनस बी क्या हो सकता है, अब यहाँ पर देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो डिफरेंस आता है, जो डिफरेंस आता है वो कितना होता है, जो डिफरेंस आता है वो होता है या तो जीरो या फिर 11, या तो जीरो होता है या फिर कितना होता है 11। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब a माइनस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, और a माइनस बी जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए 11, यही हो सकता है, पता ना आपको ये बात, या तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाए जीरो, या फिर दो नंबर जिनका डिफरेंस कितना हो 11। अब ये तो हो नहीं सकता, a माइनस बी इज इक्वल टू 11 नहीं हो सकता। सर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है a b आर डिजिट्स ऑफ 4 डिजिट नंबर, ये डिजिट्स हैं, ठीक है, तो a और b की जगह आपको पता है ना a कॉमा b कैन बी ओनली 0, 1, 2 इस तरह से 9 तक हो सकते हैं, और दो नंबर्स का डिफरेंस 11 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि दोनों दो डिजिट के होंगे, या फिर एक दो डिजिट का एक सिंगल डिजिट होगा तभी जाके डिफरेंस 11 आएगा, तो इसका मतलब दो डिजिट में तो नहीं हो सकता है, तो ये कंडीशन तो फॉल नहीं हो सकती है। a माइनस बी इज इक्वल टू होगा जीरो, और b जब इस तरफ जाएगा तो a इज इक्वल टू कितना मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा b, समझ गए, क्योंकि माइनस बी इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और b में जब जीरो को ऐड करेंगे b प्लस जीरो इज इक्वल टू बच्चों कितना होता है b ही होता है, तो a इज इक्वल टू किसके हो जाएगा b के, इसका मतलब a की जगह पे जो भी पुट किया जाएगा वो b के इक्वल होगा ही होगा, समझ गए बात को। अब ये तो हमें मिला है, ये सिचुएशन ये जो है, ये जो रिजल्ट हमें ये मिला है a इज इक्वल टू b के है, ये हमें 11 का रूल अप्लाई करने पे मिला है। अब हम बाय डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, सम ऑफ डिजिट्स कितना हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट्स यानी कि a प्लस बी प्लस ए प्लस ए इज इक्वल टू 3k, ये k का मतलब क्या है बच्चों, 3 का मल्टीपल बनना चाहिए, 3k का मतलब क्या है, 3 की टेबल में आने वाला कोई नंबर बनना चाहिए, ऐसा ही हो सकता है। a प्लस ए कितना हो गया 3a प्लस बी इज इक्वल टू 3k, ये बनना चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पर 3k डिविजिबिलिटी रूल की जरूरत हमें नहीं है, हमें पता है वो 3 से डिविजिबल है, सम ऑफ डिजिट्स करके देख लेंगे हम। अब यहाँ पर a इज इक्वल टू b है, तो हमारे पास इसका मतलब इसकी हमें जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें कुछ खास रिजल्ट नहीं बन रहा है, इसको हम स्किप करते हैं, हम सिर्फ इस वाले रूल पे फोकस करते हैं जो रिजल्ट हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल सा गेम खेलेंगे यहाँ पर, कैसे देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर बच्चों एक बात बताओ मुझे कि यहाँ पर हम a इज इक्वल टू b है, तो इसका मतलब ये नंबर यही होगा a, और b की जगह भी क्या आ जाएगा a b, a की जगह पे क्या होगा पुट b इज इक्वल टू a, क्योंकि b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू किसके, b के, तो b इज इक्वल टू किसके होगा, a के ही होगा, इसका मतलब नंबर इज a a a a। अब चारों सेम हो सकते हैं, हमें ये चारों सेम, इसका मतलब क्या हो सकता है, a इज इक्वल टू 1 1 1 1 ये हो सकता है, या फिर 2 2 2 2, या फिर 3 3 3 3 4 4, ये नंबर्स हो सकते हैं ना, 6 6, ये मैं लिख रहा हूँ, आप समझ जाओगे कौन कौन से होंगे, कैसे समझोगे अभी पता लगेगा आपको। अब यहाँ से आपको वो नंबर सेलेक्ट करने, 11 का डिविजिबिलिटी रूल तो सब हमने अप्लाई किया, तो a इक्वल टू b मिल गया, ये हमें रिजल्ट मिल गया। अब हमें रूल अप्लाई करना है किसका, 3 का, तो इन नंबर में से कौन से नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, आप चेक करो, 1 + 1 + 1 + 1 4 आ रहा है, ये नंबर नहीं है, 2 + 2 + 2 + 2 ये नंबर भी नहीं है, क्योंकि सम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, और 8 3 की टेबल में नहीं आता है, 3 + 3 + 3 ये नंबर आ रहा है, क्योंकि 3 + 3 कितना था 9 9 + 3 + 3 6 6 + 3 9 9 + 3 12 12 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये जो नंबर है इसकी जगह पर हो सकता है, क्लियर। 4 4 4 4 ये हो रहा 16, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और इसके अलावा कौन क्रॉस हो गए, 5 4 20 ये भी नहीं होगा, 6 4 24 ये हो सकता है बच्चों,
ठीक है, ये हो सकता है। और इसके अलावा 7777, 7 4 28 होता है, ये भी नहीं होगा। 8 + 8, 8 4 32, ये भी नहीं होगा। 999, ये हो सकता है। क्लियर? तो इसका मतलब तीन पॉसिबल नंबर्स हैं, और इन तीन पॉसिबल नंबर्स में द नंबर ऑफ सच फोर डिजिट नंबर, ऐसे कितने फोर डिजिट नंबर हो सकते हैं? तो यहां पर नंबर्स फोर डिजिट नंबर्स कैन बी 3333, 6 6 और 9 9 9 9। क्लियर? ये बन गया कंप्लीट आंसर। ठीक है, तो ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं? नंबर ऑफ सच फोर डिजिट नंबर इज 3। तो तीन ऐसे नंबर हैं, सो 3 इज द फाइनल आंसर। समझ गए बच्चों बात? और यहाँ पर 3 नहीं होगा बल्कि 03 लगाएं, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि टू डिजिट इंटीजर आंसर होना चाहिए, तो 03 उसमें आंसर में होगा। समझ गए? इंटरेस्टिंग था ना? नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पढ़े। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लुक एट द एडिशन ऑन द लेफ्ट। हियर ए बी एंड सी आर डिफरेंट डिजिट्स। इफ सी इज प्लेस्ड इन द यूनिट्स कॉलम द टोटल इज 45। If C is placed in the tens column, then result is 99. Then find the value of A. तो आपको A का value बताना है। अब यहाँ पर समझो आप, यानी कि यहाँ पर C किस place पर है? Tens place पर है। और यहाँ पर C किस place पर है? Unit place पर या फिर ones place पर है। तो यहाँ पर जब sum करेंगे तो कितना आएगा? Add करने पे B plus C is equal to 40, यानी AB plus C is equal to 45। और यहाँ पे AB, लेकिन tens की जगह पे रखते तो कितना आ रहा? 99। बच्चों बहुत simple question है, देखो idea लगाओ। यहाँ पर B के नीचे जो कुछ भी नहीं है, बिलो बी के क्या है? कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है अंडर बी कुछ नहीं, यहाँ पर क्या होगा? जीरो। तो बी में जीरो को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 9। इसका मतलब बी में जीरो को ऐड करने पे 9 आया है। इसका मतलब बी इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों? 9। बी की वैल्यू क्या समझ में आ गई? कैसे आया बी की वैल्यू समझ में आ गई? तो इसका मतलब बी इज इक्वल टू कितना हो गया? कन्फर्म हो गया 9 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम 9 पुट करके देखते हैं। बी इज इक्वल टू 9, तो ए 9 और सी इज इक्वल टू 45। अब मुझे बताओ 9 में किसे ऐड करना चाहिए कि 5 आ जाए? सर ऐसा तो कोई नंबर होता ही नहीं है, लेकिन कैरी तो दे सकते हैं। समझ रहे हो बात को? यानी कि 9 में अगर मैं 9 + 6 इज इक्वल टू कितना आता है? 15। तभी तो यूनिट डिजिट 5 मिलेगा, क्योंकि 9 में ऐड करने पे तो 5 तो अकेला मिल नहीं सकता, टू डिजिट का ही नंबर मिलेगा। तो सी की जगह पे क्या हो सकता है? 15 हो सकता है। तो सी इज इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चों? 6। समझ गए बात को? क्योंकि 9 + 6 इज इक्वल टू ही कितना होता है? 9 + 6 इज इक्वल टू होता है 15। कैरी जाएगा 1 और ए के साथ क्या हो रहा है? 5। यानी कि कितना ऐड किया जाए ए में, कि 1 में कितना ऐड किया जाए कि 4 आ जाए? तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। समझ गए बात को? बात पकड़ में आई? और ये तीनों नंबर, यानी कि एक जगह से आपने जैसे ही इस पजल को सॉल्व किया, पूरा पजल सॉल्व हो गया कंप्लीट। क्लियर? क्योंकि ए प्लस सी इज इक्वल टू 9 आ रहा है, तो ए प्लस सी का देख लो, ए इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 6, 6 + 3 इज इक्वल टू 9। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही नहीं हो रही? यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्या? कि ए की जगह पे क्या है? 3 और बी की जगह पर कितना है? 9। और यहाँ पर सी की जगह पर कितना है? 6। 39 + 6 इज इक्वल टू कितना होता है? 45। और यहाँ पर ए और बी की जगह, ए की जगह कितना है? 30 और बी की जगह पर 9, 39 और ये हो गया 6। यहाँ पर रखने पर भी कितना हो रहा है? ये हो गया 9, ये हो गया 60 + 39 इज इक्वल टू 99। यही होता है। देखो दोनों रिजल्ट सेटिस्फाई कर रहे नहीं कर रहे, इसका मतलब ए बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमारे पास सिर्फ ए की वैल्यू बतानी है हमें, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। ए इज इक्वल टू बच्चों आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट द नंबर A7389B वेयर ए बी सी ए बी आर डिजिट्स डिविजिबल बाय 72, देन फाइंड द पेयर ऑफ ए बी। ए बी के पेयर क्या क्या होंगे? ए और बी की वैल्यू जो क्या होगी? ए बी सी डी आपको ऑप्शन दिए हुए, इनमें से आपको सेलेक्ट करके बताना है। तो A7389B मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताओ कि ये नंबर डिविजिबल है किससे? 72 से। तो मैंने आपको पहले भी बताया था डिविजिबल बाय 72। अब 72 का डिविजिबिलिटी रूल हमें नहीं आता है, तो यहाँ पर A7389B जो है मस्ट बी डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होगा? 8 और 9। अब दोनों का डिविजिबिलिटी रूल लगा के चेक कर लें, 8 और 9 का। तो यहाँ पर 89B लास्ट थ्री डिजिट 89B डिविजिबल बाय 8। 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं पहले। तो यहाँ पर B की जगह पर B मस्ट बी, या फिर B क्या क्या हो सकता है? अब यहाँ पर 0 रख के देखते हैं, तो 8 बन जाए 8। ठीक है, 8 बन जाए 8 हो गया, ये तो फिक्स हो गया। 9B
अब 9 के साथ ऐसा नंबर रखना है जो डिवाइड कर दे, 9 के साथ ऐसा नंबर रखना है जो 9 के साथ आने पे डिवाइड कर दे, 8 से डिविजिबल हो जाए। तो 9 में अगर 8 का डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। यानी कि यहाँ पर जो नंबर है वो या तो 6 हो सकता है, ठीक है, 6 हो सकता है, या फिर ओनली 6 ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 8 में तो कंप्लीट डिवाइड हो गया, 9 में दोगे तो कितना होगा, देखो यहाँ समझो दिमाग लगा के कि यहाँ पर 8 9 भी है, 8 का डिवाइड करो तो जरा 8 बन जा 8, ये हो गया 0, 9 उतर के आया 8 बन जा 8, कितना आया 1, और बी नीचे उतर के आएगा, तो 1 के साथ बच्चों बी की जगह पर क्या आ सकता है कि बी की जगह पर ऐसा नंबर रखो कि कम्प्लीट ये डिवाइड कर दे, तो 8 बन जा 8, 8 टू जा 16, 1 टेंथ प्लेस पे कौन सा नंबर आता है, 16 आता है, ठीक है, तो इसका मतलब बी इज इक्वल टू कितना होगा, बी इज इक्वल टू होगा 6, तभी जाके 16 होगा और ये रिजल्ट 0 होगा, समझ गए बात को, क्योंकि अगला जो है 8 टू 16 इसलिए 24 आ जाता है, 8 3 24 होते हैं, यहाँ पर 1 की जगह क्या आ जाएगा 2, तो ये पॉसिबल है नहीं, यहाँ पर 1 होना चाहिए, इसका मतलब बी मस्ट बी कितना होगा बच्चों, बी इज इक्वल टू हो जाएगा 8 नहीं बल्कि बी इज इक्वल टू होगा 6, ठीक है, सो बी इज इक्वल टू कितना हो गया 6, बी की वैल्यू आ गई समझ में, अब बी की वैल्यू समझ में आ गई, इसका मतलब 9 की वैल्यू, नाउ अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, ठीक है, A7 ए प्लस 7 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 6, बी तो 6 दे दिया ना, इज इक्वल टू कितना रहा है 9 और 6 15, 15 प्लस 6 15 प्लस 8 इज इक्वल टू 23, 23 प्लस 3 कितना हुआ 26, और 26 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना हो गया 33, 33 में कितना ऐड करें कि वो 33 में कितना ऐड किया जाए कि 9 की टेबल में आने वाला नंबर बन जाए, ए मस्ट बी, ठीक है, क्योंकि आप बताओ 33 में ऐसा नंबर ऐड करो जिस नंबर को ऐड करने पे टोटल जो एडिशन आएगा वो 9 की टेबल में आना चाहिए, यही होता ना, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, तो इसका मतलब ए मस्ट बी 3, क्योंकि 33 प्लस 6 बिकॉज 2 डिविजिबल बाय 9 A प्लस 33 शुड बी 36, तो इसका मतलब A इज इक्वल टू कितना होगा 3, ठीक है, तो A हो गया 3, B हो गया 6, क्लियर, तो 3 और 6, तो ये हो गया ऑप्शन B, सो ऑप्शन B इज करेक्ट आंसर, ठीक है, A इज इक्वल टू कितना बनेगा बच्चों, A इज इक्वल टू बनेगा 3 और B इज इक्वल टू कितना बनेगा 6, दिस इज योर फाइनल आंसर, क्लियर, नेक्स्ट The number of two digit of the form AA where the same digit A having exactly four divisor. ऐसा number है AA जिसके four exact four divisors हैं, ठीक है? कितने ऐसे number हो सकते हैं? वो आपको बताने। तो यहाँ पर AA यानी कि दोनों digit क्या हैं? Same. Number of two digit of a form same digit है। अब यहाँ पर कौन-कौन हो सकते हैं? 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. दिमाग लगाओ कि 11 को डिवाइड करने वाले नंबर, 11 खुद 1, 11 ये दोनों नंबर डिवाइड करते हैं, 22 को, अच्छा 22 को दो नंबर नहीं तीन नंबर डिवाइड करते हैं, चार नंबर डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करेगा, 11 डिवाइड करेगा और खुद 22 डिवाइड करेगा, क्योंकि हर नंबर जो खुद का फैक्टर होता है, पता है ना आपको ये बात, 33 को डिवाइड करने वाले 1 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 11 डिवाइड करेगा और 33 डिवाइड करेगा, 44 को 1 डिवाइड करेगा, 22 डिवाइड करेगा, 11 भी डिवाइड करेगा और 4 भी डिवाइड करेगा और खुद 44 भी डिवाइड करेगा, 55 की अगर हम बात करें 1 डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड करेगा, 11 डिवाइड करेगा, 55 खुद डिवाइड करेगा, क्लियर, इसके बाद में आता है आपका 66, 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा और 11 डिवाइड करेगा, 6 डिवाइड करेगा और 66 खुद डिवाइड करेगा और 22 भी डिवाइड करेगा, यानी बहुत सारे इसके बन जाएंगे, 33 भी डिवाइड करेगा बच्चों, ठीक है, 77 है 1 डिवाइड करेगा, 7 डिवाइड करेगा, 11 डिवाइड करेगा, तीन हो गए, ठीक है, और हाँ यहाँ पर 77 भी, 88 में 1, 2, 4 और इसके अलावा 8, 11, 22, 44, 88, अरे बच्चों हमें तो वो नंबर चाहिए जो एग्जैक्टली हैविंग एग्जैक्टली फोर डिवाइजर्स, एग्जैक्ट फोर होने चाहिए, न कम न ज्यादा, फिक्स फोर होने चाहिए, तो इन नंबर से फिक्स फोर किस किस में फैक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सेम डिजिट हैविंग फोर डिवाइजर्स, यानी कि फोर फिक्स फोर डिवाइजर्स किस किस में है, तो यहाँ पर 99 का भी देखते हैं, 1, 3 और 9 और 11 और 99, यहाँ पर भी 5 हो गए, ये भी नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर देखो एक तो पहला नंबर है 22 के एग्जैक्टली फोर फैक्टर्स हैं, यानी फोर डिवाइजर्स हैं, 33 के भी एग्जैक्टली फोर डिवाइजर्स हैं
और किसके फोर डिवाइजर्स हैं, 55 के भी एग्जैक्टली फोर डिवाइजर्स हैं, देखो ध्यान से समझ गए, और 77 के भी फोर डिवाइजर्स हैं, क्लियर, 99 के नहीं है, क्लियर। तो इसका मतलब कितने नंबर्स ऐसे हैं, नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर्स ऑफ द फॉर्म AA, यानी कि कितने नंबर्स ऐसे हैं जो इस फॉर्म के हैं, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो यहाँ पर चार हैं, ये नहीं होगा, तो यहाँ पर देर आर फोर नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली फोर डिवाइजर्स, क्लियर है पॉइंट, ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मल्टीप्लीकेशन शोन डी इज अ सिंगल डिजिट, द वैल्यू ऑफ डी शुड बी, बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हैं आप, तो देखो 7D D2 6396, जरा साइड में लिख लेते हैं इसको, 7D और डी और यहाँ लिखा है 2 इज इक्वल टू, इन टू करने पर बन रहा है फोर डिजिट का नंबर, क्या बन रहा है फोर डिजिट का, तो ये तो कन्फर्म है, ये तो कन्फर्म है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर डी है, और यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है 639 और ये 6, यूनिट डिजिट पे फोकस करो, आंसर अपने आप आ जाएगा, कैसे, यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है 6, तो इसका मतलब ये है 2 को बच्चों ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए कि यहाँ पर आंसर कितना आ जाए 6, ठीक है, 6 किस से मल्टीप्लाई करना चाहिए, 2 6 12 होता है, 2 8 16 होता है, 2 8 कितना होता है 16, इसका मतलब 2 को ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए जिससे यूनिट डिजिट कितना जाए 6, तो या तो 2 into 3 is equal to 6 होता है और 2 into 8 is equal to कितना होता है 16, इन दोनों ही केस में यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 6 आ रहा है, आ रहा ही नहीं आ रहा, इसका मतलब या तो डी इज इक्वल टू डी कैन बी 6 और डी कैन बी, ओके डी कैन बी नॉट 6 3 और 8, डी क्या हो सकता है 3 हो सकता है 8 हो सकता है, तो हम दोनों रख के देख लेते हैं आंसर आ जाएगा 73 और डी यहां पर भी है तो 32, 73 और 32 को मल्टीप्लाई करने पे कितना 2 3 6 हो गया, क्लियर, ये हो गया 7 2 14 और यहां पर 3 3 हो गया 9, 3 7 21, यहां पर तो बहुत छोटा रिजल्ट आएगा 6 और ये आ गया 3, हमारा तो 9 6 आ रहा है, यहीं खत्म हो गए, तो 3 2 ये तो नहीं होगा, इसका मतलब डी होगा 8, ठीक है, अब 78 into 82 ये करके देखते हैं, 2 8 जाओगे 16, 1 7 2 जा 14 और ये 15, क्लियर, यहाँ पर हो गया 8 8 जा 64, ये 4 ये 6, 8 7 जा 56, 56 plus 6 is equal to कितना हो गया बच्चों 62, ठीक है, तो ये देखो 6 9 3 6 6 3 9 6, देखो बन रहा है नहीं बन रहा, इसका मतलब ये है D की जगह पर कौन होगा 8, तो D can be 3 और 8, अब 3 वाला ऑप्शन चला गया, D is equal to 8 which satisfy the given मल्टीप्लीकेशन, समझ गए बात को, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 8, इसमें इस तरह के क्वेश्चन में देखो बच्चों कितना इजी होता है, आपको सिर्फ ना ये 2 है तो 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जिससे मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट कितना आ जाए 6, तो यूनिट डिजिट 6 लाने के लिए हमें किस किस से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो 2 3 6 होता है या 2 8 16 होता है, बस और तो नंबर हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहां पर डी क्या है सिंगल डिजिट है, डी क्या है सिंगल डिजिट, तो 8 से 9 9 से बड़ा नंबर तो हो ही नहीं सकता, यही गेम है, इसमें यही बताया जाता है कि डी ए बी सी ये जो अल्फाबेटिक आते हैं, अल्फाबेट जो होते हैं इनकी जो वैल्यूज हैं वो सिंगल डिजिट होती है, ठीक है, समझ में आ गई बात, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गिवन 1x6y7 इज अ 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 9, द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई इज, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी हमें क्या पेयर बनेगा, तो यहां पर देखो 1x6y7 इज अ 5 डिजिट, एक 5 डिजिट का नंबर है, डिविजिबल बाय 9, 9 से डिविजिबल है, क्लियर, तो सम ऑफ डिजिट्स कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, 1x6y7, तो यहां पर देखो 1x6y7, तो यहां पर 1 plus x plus 6 plus y plus 7, ठीक है, यहां पर कितना हो गया 6 plus 7 13, ठीक है 6 plus 7 13 और यहां पर जो है plus 1 14 plus x plus y, अब यहां पर बच्चों दिमाग लगाओ, ये हमें इक्वेशन मिली है, ये एक्सप्रेशन हमें मिला है, इससे रिजल्ट मिला है कि 14 प्लस एक्स प्लस वाई, अब मुझे एक बात बताओ कि जो एक्स और वाई की वैल्यू है हमें सिंगल डिजिट में लानी है, ये तो कंफर्म है, 5 डिजिट है, इसका मतलब ये है 5 डिजिट का एक नंबर है, तो एक्स और वाई सिंगल सिंगल डिजिट होंगे, 2 डिजिट का नंबर कभी नहीं हो सकता, सिंगल डिजिट ही होंगे, इसका मतलब ये है एक्स और वाई की जगह पे ऐसा नंबर बनाना है कि यहां पर रखने पर इसमें 14 में ऐड करने पर कितना आ जाए
9 से डिवाइड होने वाला नंबर आ जाए, ठीक है, यानी कि 9 की टेबल में आने वाला नंबर, तो या तो हो सकता है 14 के बाद कौन आता है, यानी 14 से आगे, 14 के जस्ट बाद में, या तो कुछ नंबर्स के बाद में 9 की टेबल में आने वाला नंबर कौन सा होता है, 18, और उसके बाद में होता है 27। इन दोनों से ही पॉसिबिलिटी आएगी, क्योंकि अगर 36 लेकर जाते हैं तो 36 के लिए हमें यहाँ पर बड़ा नंबर पुट करना पड़ेगा, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर अगर मैक्सिमम नंबर यहाँ पे कौन सा हो सकता है, एक्स कॉमा वाई लेस देन, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 9। बात समझ में आ रही है बच्चों, यानी कि या तो 9 के इक्वल हो सकता है, 9 से छोटा हो सकता है, ठीक है। तो 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 14 इज इक्वल टू कितना होगा, 18 प्लस 14 इज इक्वल टू 32। तो 32 से बड़ा नंबर तो नहीं हो सकता है, इसका मतलब दो ही वैल्यू बनेगी जो 9 से डिविजिबल होने के लिए, या तो 18 होगी या 27 होगी। तो क्या क्या बनेगी, 18 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टू मेक 18 एक्स कोमा वाई मस्ट, एक्स कोमा वाई क्या क्या होनी चाहिए, या तो एक्स 1 हो जाए, या फिर y इज इक्वल टू कितना हो जाए 3, क्योंकि 14 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना होता है 18 होता है, ठीक है, या फिर और 3, 1, ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि 3 प्लस 1 करने पर कितना होता है 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 14 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 18 आ रहा है, और 14 प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू भी कितना आ रहा है 18 आ रहा है। अब हमें लाना है 27 टू मेक 18। अब 27 के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स कॉमा वाई मस्ट, ये क्या क्या हो सकता है, x को मोबाइल 14 में कितना बनाना चाहिए कि 27 आ जाए, 14 में 13 बनाना चाहिए, 13 बनाने के लिए किस किस को ऐड करना चाहिए, तो 6 प्लस 7, 13 की तो बहुत सारी वैल्यू होती है यार, लेकिन 13 के लिए 5 प्लस 8, ठीक है, 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13, तो 4 छोटे स्टार्ट करते हैं, 4, 9, ठीक है, 3 के साथ तो 10 जोड़ोगे तब जाके ये 13 आएगा, और 5 प्लस 8 और यहाँ पर 7 प्लस 6 और 6 प्लस, अब उल्टा ही होगा क्योंकि 7 के बाद में 8 प्लस 5 उल्टा ही चल जाएगा, तो यहाँ पे 8, 5, ठीक है, 9, 4 और 6, 7, यही हो सकते हैं। तो इसका मतलब कितने पेयर हो गए, देखो x और y के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो x और y के नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने होंगे, यानी ऑर्डर पेयर की वैल्यू नहीं बतानी है, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने होंगे, तो यहाँ पर देर आर 9 पेयर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके 8 पेयर्स हैं, ठीक है, तो टोटल पेयर्स 8 आंसर, ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और कोई रह गया हो तो बता दो, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 0 प्लस 4 भी हो सकता है क्या, 0 प्लस 4 सोच लो, ठीक है, 5 डिजिट नंबर है, ओके 0 प्लस 4 भी तो लेंगे यार, ठीक है, तो 0, 4 और 4, 0 हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, 4, 0 तो 2 और जुड़ गए, 8 नहीं होगा बच्चों, 10 आएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8, क्योंकि हमने 0 को काउंट नहीं किया था, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 को हमने काउंट नहीं किया था, बट हमने 0 को ले लिया यहाँ पर, तो x और y मस्ट बी 0, 4, 4, 0, 1, 3, 3, 1, इस केस के लिए 18 के लिए, क्लियर। अब 27 बनाने के लिए तो हमें कितना चाहिए, हमें होना चाहिए यहाँ पर x plus y इक्वल टू कितना होना चाहिए 13, तो x plus y इज इक्वल टू 13 कब होगा, देखो यहाँ पर 14 के साथ कितना ऐड किया जाए कि 27 बन जाए, 13 होगा, तो 13 किसके बराबर होगा, इन दोनों को मिला के तो होगा, यानी x plus y बराबर कितना होगा 13, इन दोनों को ऐड करने पे 13 बनना चाहिए, दो नंबर कौन कौन से जिनका सम करने पे 13 आता है, 4, 9, 5, 8, 7, 6, उल्टा करके भी देख लो, 8, 5, 9, 4, 6, 7, समझ गए बच्चों बात को, इसमें कोई डाउट है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करने की आपको टैक्टिस है, इस तरह की स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तब जाके क्वेश्चन आएंगे, और सिर्फ इनकी प्रैक्टिस करने से ये क्वेश्चन आएंगे, ओनली प्रैक्टिस, यही आपकी इसकी जो प्रैक्टिस है, ओनली प्रैक्टिस है जो इसमें आपको स्ट्रांग बना सकती है, इसके अलावा कोई भी इसमें तरीका नहीं है, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर सच दैट ए बी सी सी बी ए इज इक्वल टू एक्स एक्स एक्स, देन ए कैन नॉट बी इक्वल टू, ए इक्वल टू नहीं हो सकता किसके, अब इसमें यहां पर आपको कैन नॉट बी इक्वल टू, तो यहां पर मैं आपको ऑप्शन देता हूं, 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है, 1, B, 2, C, 3 और D, 4, क्लियर, ये 4 ऑप्शन दे दिए। यहां पर आपको जो एक्सप्रेशन दिया हो क्या है, ए बी सी एक 3 डिजिट नंबर बना दिया, सी बी ए इनका ऐड करने पे कितना रहा एक्स एक्स, यानी कि तीनों ही जो है नंबर सेम आने चाहिए, यानी कि ए बी सी और सी बी ए, अब देखो रिवर्स ऑर्डर कर दिया,
रिवर्स ऑर्डर कर दिया और नीचे जो रिजल्ट आ रहा है उनमें तीनों डिजिट क्या है सेम है, क्लियर। तो उसको छोड़ते हैं एक बार, सिर्फ इसे फोकस करते हैं। ए बी सी कैन बी, अब वन से स्टार्ट करते हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है बच्चों क्रमागत, यानी एक के बाद एक आने वाले, समझ रहे हो। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है वन बाय वन, एक के वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर, इनको क्या कहते हैं, इस तरह के नंबर कॉन्जिक्यूटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या हो सकते हैं, या तो वन टू थ्री या फिर टू थ्री फोर या फिर थ्री फोर फाइव और या फिर फोर फाइव सिक्स। तो ये तीनों हम रख के देख लेते हैं एक बार, वन टू थ्री, टू थ्री फोर, थ्री फोर फाइव, फोर फाइव सिक्स। तो इनसे रिजल्ट सेम आ रहा है, कैसे, वन टू थ्री और थ्री टू वन इज इक्वल टू सिक्स सिक्स सिक्स, नो फोर फोर फोर, ठीक है, नॉट सिक्स, ये बनेगा फोर फोर सिक्स सिक्स, तो उस वाले बनेगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे जो आंसर बनेगा फोर फोर फोर, ऐड करने पे ही बन रहा है, ऑर्डर रिवर्स करने पे, क्लियर। अच्छा, टू थ्री फोर और फोर थ्री टू कितना आ रहा है, सिक्स सिक्स सिक्स, यहाँ पर सिक्स बनेगा, क्लियर। यहाँ पर थ्री फोर फाइव और फाइव फोर थ्री, तो यहाँ पर बच्चों फाइव प्लस थ्री एट, फोर प्लस फोर एट और ये भी एट, फोर फाइव सिक्स और सिक्स फाइव फोर। तो ज़रा यहाँ पर हम ये करके देखते हैं, सिक्स प्लस फोर टेन, अब फाइव प्लस फाइव टेन इलेवन, यहाँ पर वन और ये कह दिया वन, और यहाँ पर सिक्स प्लस फोर टेन वन इलेवन, वन 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 ज़ीरो। ये जो चौथा डिजिट है, लास्ट जो डिजिट है, ये डिफरेंट आ रहा है बच्चों, देखो ध्यान से, यहाँ पर डिफरेंट हो गया, यहाँ पर तीनों सेम थे। अच्छा, यहाँ पर जो है आंसर ही आपका चेंज हो गया, कैसे, क्योंकि यहाँ पर आंसर फोर डिजिट में आ गया, समझ गए बात को। यहाँ पर कितने डिजिट में आंसर आ रहा है, फोर डिजिट में आंसर आ रहा है, और फोर डिजिट में तो आंसर आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो थ्री डिजिट में है। इसका मतलब इसके बाद में जो नंबर हैं वो सारे फोर डिजिट में हो जाएंगे, इसका मतलब इसके बाद वाली वैल्यू नहीं आ सकती, यानी बाद वाले जो तीन कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर्स हैं वो नहीं आ सकते हैं, सिर्फ ये तीन हो सकते हैं, इनके अलावा कोई नहीं हो सकता है। अब हमारे ऑप्शन में कौन कौन है, ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू टू, सी इज इक्वल टू थ्री, डी इज इक्वल टू फोर, यानी कि ए की वैल्यू पर ए कैन नॉट बी इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, तो ए की वैल्यू वन हो सकती है, देखो रख के देखा वन, ए की वैल्यू बी इज इक्वल टू टू हो सकती है, हो सकती है, थ्री हो सकती है, हो सकती है, फोर नहीं हो सकती, बिकॉज बच्चों फोर फाइव, फोर फाइव सिक्स अगर हम ऐड करते हैं तो वन 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 जीरो बनता है ये, समझ गए। इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि ए के इक्वल नहीं हो सकता। तो बच्चों आज की जो क्लास थी, आज का जो कंसेप्ट था, कैसा लगा आपको, अल्फा न्यूमेरिक पजल्स का, अल्फा जो मैटिक पजल्स थे, ये सभी मैंने आपको समझाया, इसे क्वेश्चन हमने किए, आपको इंटरेस्ट आया होगा मुझे पता है, और बहुत डिफरेंट और बहुत यूनिक कंसेप्ट था ये, ठीक है। तो बच्चों मेरा टारगेट यही था कि आप तक कंप्लीट जो है ये मैं डिलीवर कर पाऊँ, और आप इसको अच्छे से समझ पाएँ, और इसे क्वेश्चन करने की जो है आपके अंदर जो है मतलब आपका कंसेप्ट और इसको समझने का तरीका वो बिल्डअप हो, और आप इस तरह क्वेश्चन कर पाएँ, क्लियर। तो चलिए, अब इस तरह क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल भी इसमें आपको बिल्कुल भी लूज नहीं होना है, बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होना है, अपने आपको बिल्कुल टाइट कर लीजिए, बिल्कुल टाइम टेबल बना लो, इसके जो क्वेश्चन है जो भी आपको नेट से मिले और वर्कशीट के द्वारा मिले आपको सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।